वहीं पुलवामा हमले में पहली बरसी पर कोटा में शहीद जवानों को नमन किया गया। कोटा में शहीद स्मारक पर विभिन्न सामाजिक संगठनों के 7 कॉलेज स्टूडेंट्स ने पहुंचकर पुष्प अर्पित किए और 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं और आमजन ने रक्तदान किया। श्रद्धांजलि देने पहुंच लोगों का कहना है कि आज देश के वीर जवानों की वजह से हम अपने घरों में सुरक्षित रह सकते हैं। हम आपको बता दें कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में CRPF के जवानों के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें कोटा के विनोद कला गांव का जवान हेमराज मीणा सहित 40 जवान शहीद हो गए थे। जी, पुलवामा में जो 1 साल पहले अटैक हुआ था, जिसमें हमारे 44 जवान शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि दी गई है आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा। जब जब इस तरह का हमला देश विरोधी ताकतों के साथ या आतंकियों के साथ होगा, हमारे जवानों के साथ होगा, तो मुँह तोड़ जवाब बार बार दिया जाएगा उनको, और जितने भी शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। और मैं सब लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा, आज हमारे लिए काला दिवस है, हम इसको ऐसे कार्य रूप ऐसा कार्य करके इसको याद रखे, श्रद्धांजलि देके रक्तदान करके देश भलाई में जो भी कार्य अच्छे से अच्छा कार्य करके हम इस दिन को याद रखे। जय हिंद, जय भारत। उधर पुलवामा में शहीद हुए हेमराज मीणा और उसके साथियों को महावीर नगर में पूर्व पार्षद महेश गौतम लल्ली व उनके साथियों द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर पूर्व पार्षद ने कहा कि पूरे देश में वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है, लेकिन आम हिंदुस्तानी इसे काला दिवस के तौर पर मना रहा है। वहीं वैलेंटाइंस डे के मौके पर शहीद हेमराज मीणा को कोटा के युवाओं ने अपने अपने ग्रुपों के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। किसी ने कैंडल मार्च निकाला तो किसी ने रैली निकालकर वंदे मातरम के नारों से माहौल में देशभक्ति का जज्बा भर दिया। बारा में भी पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। गर्ल्स कॉलेज की छात्राएं शहीद राजमल मीणा पार्क में पहुंची और सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। छात्र छात्राओं ने पुलवामा के शहीदों व स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय धन्नालाल पटवा की प्रथम बरसी पर रक्तदान भी किया। उधर सवाई माधोपुर में भी कर्मचारियों ने कैंडल मार्च निकालकर पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। कैंडल मार्च जिला मुख्यालय के बजरिया के अंबेडकर सर्किल से कलेक्ट्रेट तक निकाला गया। कर्मचारियों द्वारा इस दौरान पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही न्यू पेंशन योजना बंद करने व पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की भी मांग की गई। ये 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था को बंद कर दिया है। हमारे देश में अभी पिछले साल ही पुलवामा आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 2004 के बाद नियुक्त अर्धसैनिक बल भी उसमें हमले में शहीद हुए थे, जिनकी पुरानी पेंशन व्यवस्था नहीं है। अब उनके परिवारजन उनको बुढ़ापे में माँ बाप उनके वो अपना गुजारा बसर नहीं कर सकते, उसी के विरोध में उन अर्धसैनिक बलों की पेंशन बहाली के लिए हम आज पूरे देश में उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जल्द ही उनकी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करें। झालावाड़ में भी छात्रों ने वैलेंटाइंस डे का विरोध करते हुए पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। युवाओं ने झालावाड़ के निर्भय सर्किल पर विरोध प्रदर्शन किया और आज के दिन को शहीद दिवस मनाने की बात कही। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जिस दिन हमारे भारतीय सेना के इतने जवान शहीद होते हैं, उस दिन हमारे देश के युवा पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं। ये राष्ट्रीय छात्र परिषद कतई बर्दाश्त नहीं करेगा एवं केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि 14 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में घोषित किया जाए। इससे जो टुकड़े टुकड़े गैंग है और पुलवामा के सबूत मांगने वाला जो गैंग है, उनके मुँह पर तमाचा पड़ेगा।